All right, भाई, गुड मॉर्निंग। उठ गए बैंग बैंग एनर्जी के साथ दोबारा। आज की रूटीन ये है कि अभी ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने के बाद मेरा दोस्त आया पाकिस्तान से, उससे मिलना है। होपफुली वो कोई सौगात लेकर आए होंगे हमारे लिए पाकिस्तान से। तो लेट्स स्टार्ट अवर डे फॉर टुडे। ऑलमोस्ट जो है ना, मुझे हो गए हैं 4 घंटे। नाउ आई एम गोइंग टू ईट, और फिर उसके बाद 3 घंटे और काम, एंड देन आई एम गोना मीट माय फ्रेंड हु जस्ट केम फ्रॉम पाकिस्तान। सो मे बी वी विल गो एंड हैव अ कप ऑफ टी, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो आज की ये रूटीन है, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने ब्रेक में, उसके बाद ऑफिस। ऑलराइट भाई, खाना खा के हो गया है, नाउ लेट्स गो बैक टू वर्क। अच्छा भाई, काम के बाद अब हम जा रहे हैं मिलने अपने दोस्त से जो आए हैं पाकिस्तान से, और लेट्स सी के वो लेकर आए होंगे वो जो हमने मंगाया था उनसे। सर्दी भी काफ़ी हो गई है, आई थिंक इट्स +4 or +5 राइट नाउ, बट एक्चुअली मुझे जो ये वेदर है ना वो काफ़ी पसंद है। सो लेट्स गो। भाई, तो दोस्त जो है वो मेरा सामान यहाँ पर रख कर चला गया, उसको थोड़ा अभी काम था, बट आई विल शो यू व्हाट ही ब्रॉट फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच। ये आया है भाई मुल्तानी हलवा पाकिस्तान से, और ये जो चीज़ है ना भाई जो यहाँ नहीं मिलती वो है ये तुलसी का डब्बा माउथ फ्रेशनर। एक्चुअली मुझे सुबह सौंफ खाने की आदत है, और ये चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। मसाले और बाकी सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, बट ये यहाँ नहीं मिलती। सो थैंक यू वेरी मच भाई, आप मेरे लिए चीज़ें ले आए, और मैं भी जब पाकिस्तान जाऊँगा तो इसी तरह की चीज़ आप मुझसे एक्सपेक्ट करिएगा। तो नाउ लेट्स गो होम, हम लेट हो रहे हैं काफ़ी। भाई हमेशा की तरह गाड़ी जो है वो मैंने पार्क कर दी थी ताकि मैं थोड़ा वॉक कर लूँ। नाउ लेट्स गो टू द कार, थोड़ी दूर है, लेट्स गो। ऑलराइट भाई, आज का जो दिन था वो ऑलमोस्ट ख़त्म, गाड़ी में आ गए हैं। बस ये मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, ये काफ़ी मायने रखती है। अब वो मेरा दोस्त, देखें वैसे तो वो सिर्फ लाया तुलसी का डब्बा और हलवा, बट कैन यू इमेजिन कि वो इतनी यही चीज़ लेके ना एक दिल में प्यार और मोहब्बत बढ़ा देती है, छोटा छोटा सा एहसास किसी के लिए भी। तो लाइफ में वैसे तो देखें वो भी बहुत बिजी है, वो भी अपना काम में होता है, मैं भी काम में होता हूँ, लेकिन इस तरह की जो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत बड़े मायने रखती हैं कि कोई आपका एहसास कर रहा है, कोई आपका ख्याल रख रहा है, कोई जो है आपके लिए, भले उसने 2 सेकंड का भी टाइम लिया हो लेकिन लिया, और उसने जो है वो मेरे लिए ये तुलसी का डब्बा, मुझे अभी तक हंसी आ रही है। आई रेयरली ईट बट सम टाइम आई लाइक इट बिकॉज माउथ फ्रेशनर के तौर पे बड़ा अच्छा लगता है सौंफ खाने के लिए। तो बात मकसद बताने का ये था कि छोटी चीज़ें जो है ना वो हमें लाइफ में करते रहनी चाहिए, अपने करीब दोस्तों के साथ, या जो आपके कोलीग्स हैं, या जो भी आपके लोग हैं आसपास उनके लिए। तो इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती हैं। देखें लाइफ में 100-200 रुपये से कोई कुछ हो नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ें आपको एक कनेक्टिविटी रहती है आपके पास। एनीवे, आई एम काइंड ऑफ अ वेरी हैप्पी, आई विल गो होम, टेस्ट दिस हलवा, एंड ऑल्सो आई एम ऑलरेडी ईटिंग एक्चुअली दिस तुलसी। आई कैंट ईट टू मच बिकॉज ऑफ माई ब्रैकेट्स, वरना वो दांतों में फंसेगी,
बट आई हैव स्पेशल टूथब्रश विच विल क्लीन. तो ये सारी चीज़ें अपने करीबों का, अपने करीब दोस्तों का ख्याल रखें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.